sorry, it's DJ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा फैक्ट्री के विषय में, इंडस्ट्री के विषय में या कंपनी के विषय में। इन तीनों को सुनने में या जब हम इसके विषय में जानते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये तीनों चीज क्या है, सेम है, फैक्ट्री, कंपनी या इंडस्ट्री। लेकिन इनके बीच में क्या अंतर होता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। और खास कर अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको तो ये चीजों के विषय का अंतर मालूम ही होना चाहिए। और एक जनरल सेंस में भी मैं आज आपको इसके विषय में बता रहा हूं कि फैक्ट्री होती क्या है, इंडस्ट्री क्या होती है, कंपनी क्या होती है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। अगर आप जब खोलने जा रहे हैं या बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं तो आप अपना जो सेटअप है या जो भी आप काम करने जा रहे हैं वो फैक्ट्री के अंतर्गत आता है, इंडस्ट्री में आता है या कंपनी में आता है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ऐसे ही बिजनेस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपके कुछ भी सवाल के जवाब आपको चाहिए या आप इनको खोलना चाहते हैं तो हमारे जो नीचे वाले नंबर पे फ्लैश हो रहा है वहां पास आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे दोस्तों की फैक्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री क्या होती है और कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटे छोटे फूल यहाँ लगे हैं, अगर बगल अगर आपको दिखाई देता होगा, नहीं भी दिखाई देता हो तो कोई बात नहीं, एग्जांपल मैं इस पेन से आपको लेता हूँ। सपोज कीजिए आप जो है ये पेन बनाना चाहते हैं, तो ये पेन बनाने के लिए, ये पेन बनाना चाहते हैं या फिर आप समझ लीजिए कुछ खाने पीने का स्नैक्स का सामान बनाना चाहते हैं या आप जूते चप्पल बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज जो कि आप बनाना चाहते हैं, अगरबत्ती बनाना चाहते हैं, साबुन बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें जो आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो इस बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शब्द एक इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर। तो अगर आप कोई भी सामान को बनाना चाहते हैं तो आप अकेले बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, या फिर आप उस सामान को बनाने के लिए कोई मशीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसको बनाने का जो जगह होता है, चाहे आप अपने घर में बनाए, चाहे आप एक ऐसी जगह बनाए, एक ऐसे बिल्डिंग में उस सामान को बनाए, ठीक है, तो उस जो जगह जो होती है, जो प्लेस को इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह को फैक्ट्री बोला जाता है। तो ये फैक्ट्री क्या होता है, एक क्लोज, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया एक रूम मैंने ले लिया है, इस रूम को मैंने एक अच्छा से मतलब चारों तरफ से घेर के क्या किया है, सब छत सब बना दिया है, सब कुछ लगा के रखा हुआ है। और इसके अंदर मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर का काम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ या मेरे साथ में और भी लोग है जो कि मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे साथ में और भी लेबर सब है, वो लेबर काम कर रहे हैं मेरे साथ में, और बहुत सारी मशीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब है, ठीक है, इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर किसी भी तरह का मैं रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है अगर मैंने क्या किया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया एक ऐसे जगह जो कि मैंने उस सामान को बनाने के लिए ही बनाया हुआ है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। अब आपको इस बात क्लियर हो गया होगा। तो फैक्ट्री में हो सकता है कि कोई फैक्ट्री छोटा हो, जैसे भी मान लीजिए ये एक रूम है, इस रूम में मैं कोई चीज बना रहा हूँ तो ये फैक्ट्री कहलाएगी, ठीक है, फैक्ट्री का भी रजिस्ट्रेशन होता है, उसके विषय में फिर कभी हम लोग बात करेंगे। अब इस फैक्ट्री में काम करने वाले हो सकते हैं कि एक आदमी भी हो, दो आदमी भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी हो, बहुत सारी मशीन इस्तेमाल हो, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पानी या बहुत सारे कच्चे माल का निर्माण हो, तो उस जगह को फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखो यहाँ पास क्या होता है कि अगर आप जो है जब भी कच्चा माल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कच्चा माल रखने के लिए भी आपके पास में एक जगह होगी फैक्ट्री में, आपके पास जो सामान बन गई है, जो गुड्स बन गया है, उसको भी आपको रखने के लिए कोई ना कोई जगह होगा। तो ये सब मिला के, ये पूरा जो तामझाम बोलते हैं, ये सारा तामझाम मिला के उस जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फैक्ट्री। हो सकता है कि आपके पास में स्नैक्स बनाने की फैक्ट्री हो, आप अगर मान लीजिए नमकीन का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो फैक्ट्री है नमकीन बनाने की फैक्ट्री हो,
हो सकता है कि आप पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं तो उसकी फैक्ट्री हो सकता है कि आप साबुन बना रहे हैं तो साबुन की फैक्ट्री हो, या फिर आप सोप बना रहे हैं तो सोप, ये अगरबत्ती बना रहे हैं तो अगरबत्ती की फैक्ट्री हो, जूते चप्पल किसी भी तरह की फैक्ट्री, मतलब कि वो जगह जहां पास आपका सामान बन रहा है। अब आपको क्लियर हो गई होगी, अगर सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना दोस्तों। अब हम लोग दूसरी चीज आते हैं इंडस्ट्री, ठीक है। अब इंडस्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री तो आपने लगा दी, मान लो कि मैंने एक फैक्ट्री लगा दी, यहां पास मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फैक्ट्री का काम क्या हो गया, मैन्युफैक्चर। लेकिन भैया सामान बनने के बाद, सामान बनने के बाद क्या वही रहेगा क्या, नहीं। सामान बनने के बाद वो सामान को बेचना भी तो है, तब तो पैसे आएंगे। तो भैया इस सामान को हम लोग क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ठीक है। कच्चा माल भी लेके आ रहे हैं, इस सामान को बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कच्चा माल। इस पूरा जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मान लीजिए मैंने यहाँ पास इस फैक्ट्री का नाम रखा, ये फैक्ट्री जो है मान लीजिए साबुन बनाती है, ये फैक्ट्री साबुन बनाती है, कच्चा माल आ रहा है, पक्का माल जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे लेबर लगते हैं, ठीक है। तो ये जो सोप है, ये सोप बनाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई, यहाँ पास मैन्युफैक्चर, सेलिंग, लेबर बहुत कुछ आते हैं। हो सकता है देखो मेरे सोप का नाम एबीसी हो, मेरे सोप का नाम एबीसी हो, तो कोई दूसरा आदमी है जो एक सोप बना रहा है डी ई एफ, ठीक है। तो साबुन बनाने की एक ही एक फैक्ट्री नहीं है, एक तरह के लेबर नहीं है, बहुत सारे लोग जो है अलग साबुन ही बनाते हैं, लेकिन वो अलग अलग नाम से भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लो कि बहुत सारे जो अलग अलग लोग है, उन लोगों ने भी फैक्ट्री, एक नंबर फैक्ट्री बनाई, दो नंबर बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, पांच बनाई, ठीक है। तो ये सब भी मिलके क्या बना रहे हैं, साबुन ही बना रहे हैं, ठीक है। ये मिलके सब साबुन बना रहे हैं। तो ये सब कोई को जो हम लोग बोलते हैं, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक जो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप कर रहे हो वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से, अलग 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 मालिक होंगे, अलग अलग उनकी फैक्ट्री होगी, बहुत सारे लोग जो है वही काम कर रहे हैं। तो जैसा ये सोप इंडस्ट्री हो गई, जैसा अगर मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख, टाटा जो है, टाटा भी अपने अपने ऑटोमोबाइल बनाती है, टाटा भी अपनी कार बनाती है, ठीक है। टाटा के अलावा बहुत सारी कंपनी है, ठीक है, हुंडई बनाती है या फिर आप टोयोटा बनाती है, बहुत सारी कंपनी जो है अपने अलग अलग कार या ऑटोमोबाइल सेक्टर में बनाती है। तो सबकी फैक्ट्री क्या है, अलग अलग है, सबकी फैक्ट्री अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन उस कंबाइन को, उस सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या होती है, वो सेक्टर होती है, एक परफेक्ट सेक्टर होती है जिसके अंतर्गत अलग अलग नाम से, अलग अलग बिजनेस से, अलग अलग लोगों की फैक्ट्री है और सारा कुछ है। तो अभी जैसे मोबाइल है, मोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो मोबाइल इंडस्ट्री में ओप्पो भी है, वीवो भी है, सैमसंग भी है, नोकिया भी है, तो सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग फैक्ट्री है, लेकिन इंडस्ट्री क्या हुई, एक ही इंडस्ट्री हो गई, वो इंडस्ट्री हो गई आपकी मोबाइल इंडस्ट्री। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि अगर मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो आप किस सेक्टर में हो, किस इंडस्ट्री में हो, तो मोबाइल इंडस्ट्री में हो, ठीक है। लेकिन आपकी फैक्ट्री जो है आपकी किसी भी नाम से हो सकती है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जो भी आप ले लो। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंडस्ट्री एक कॉम्बाइन होता है जितने भी फैक्ट्री है, अलग अलग नाम से, अलग अलग काम से। अब तीसरा जो चीज आता है, कंपनी। कंपनी क्या है, अब दोस्तों यहां पास मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करें कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का एग्जांपल मैं देता हूं, या चलो ऑटोमोबाइल का नहीं देता हूं, मैं मोबाइल का देता हूं। एक इंडस्ट्री है मोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। मैं किसी एक कंपनी को ले देता हूं, सपोज करो मैंने एक कंपनी दे दिया ओप्पो। ओप्पो कंपनी क्या है, ओप्पो कंपनी है जो कि रजिस्टर है, जो कि क्या है, रजिस्टर है,
आज रजिस्टर कहाँ है, उस देश के गवर्नमेंट के पास वो कंपनी क्या है, रजिस्टर है। तो कंपनी क्या है, एक लीगल आइडेंटिटी है उन लोगों का जो कि उस चीज को, उस फैक्ट्री को बनाए हैं या उन लोगों की एक कंपनी है। मतलब आप समझ लो कि लोगों का एक समूह है जो मिलके एक कंपनी बनाता है और वो कंपनी आगे चल के अपना काम क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री लगा के काम करती है। तो ये क्या है, लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जैसा कि मान लो मैं अपनी कंपनी की बात करूं, मेरी कंपनी का नाम है टेक्को बीच डॉट इन प्राइवेट लिमिटेड, तो ये मेरी लीगल आइडेंटिटी है। लेकिन मैं सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर। अगर मान लो कि टाटा है, सपोज करो कि टाटा क्या है, टाटा नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है जो कि किस इंडस्ट्री में आती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आती है, जिसकी जो फैक्ट्री है जमशेदपुर में है, ठीक है। तो ये होती है कंपनी। तो अभी आपको थोड़ा सा ये होगा कि कंपनी क्या होती है, लीगल आइडेंटिफिकेशन होती है उन समूह का जो कि फैक्ट्री को चलाते हैं और फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री में आती है। अब यहाँ पास एक चीज आपको जानना होगा कि आपके पास मान लो कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे मैंने यहाँ पास आपको बताया। अब इसको यहाँ से मिलाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने बोला टाटा है, हुंडई है, आपका टोयोटा है। मान लो कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि मोबाइल इंडस्ट्री में ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है। तो आप देखो एक इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां आती है, उन कंपनियों के बहुत सारे फैक्ट्री आते हैं। तो फैक्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उस चीज का या उस कंपनी का, और कंपनी उस इंडस्ट्री का एक छोटा सा भाग है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पास अंतर समझ में आया होगा। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहे हैं तो आप क्या है, उसकी फैक्ट्री खोल रहे हैं और आपकी कंपनी जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास, जिस भी देश में आप वो खोल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कंपनी रजिस्ट्रेशन या फैक्ट्री एक्ट या करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप फ्लैश हो रहा है, वहां पास आप हमें व्हाट्सएप या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और भी किसी भी तरह की पेड कंसल्टेंसी भी लेनी हो तो। तो आपको यहाँ पास अंतर मैंने बताने की कोशिश की एक सिंपल एग्जांपल से कि आप जो है फैक्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री और कंपनी क्या होती है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको सवाल कमेंट सेक्शन में कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और भी कोई बात होगी तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नई बिजनेस की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।